नमस्कार आदर्श, आज हम विशेष संधि को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो विशेष संधि में पहला भाग है सत्व संधि। सत्व संधि में पहले अपन पढ़ चुके हैं कि विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण और तीनों श आए, तो विसर्ग का स बनता है। अब इसमें अपने देखा था जब मात्रा के विभाजन किए थे तो यहां जो मात्रा आ रही थी वो मात्रा तीनों प्रकार की थी। तीनों प्रकार की मात्रा में ही पहला दूसरा वर्ण और तीनों से का विसर्ग का स ही बन रहा था। अब अपन को देखना है कि इस विसर्ग के साथ जो वर्ण जुड़ेंगे तो क्या होगा। यहां जो मात्रा तो क्या, कोई भी मात्रा, कोई भी मात्रा, तो देखिएगा सर तो तीन होते हैं तो बनेंगे कौन कौन से। तो विसर्ग के बाद यदि क का हो, च छ हो, ट ठ हो, त थ हो, प फ हो और श श और श, तब क्या बनेगा वो अपने को ध्यान देना है। क्योंकि बन तो सह रहा है, सत्व संधि में विसर्ग का सह बनता है, बन तो सह रहा है लेकिन सह तीन होते हैं। यदि कह के है तो श दो बनेंगे, तो सड़क वाला श और एक स्टोन वाला श। चय छ हो तो विसर्ग का श शंकर वाला बनेगा, टय ठ हो तो विसर्ग का श्रेष्ठ कोण वाला श बनेगा, तय तय ठ हो तो विसर्ग का श सड़क वाला श बनेगा, हो तो सड़क वाला बोल कोण वाला सह बनेगा, शंकर वाला हो तो शंकर वाला ही बनेगा, कोण वाला हो तो कोण वाला ही बनेगा, सड़क वाला हो तो सड़क वाला ही बनेगा। यानी तीन से होते हैं तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, ये अपन ने देख लिया। बाकी सब में तो फिक्स है, मात्रा का कोई अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन मात्रा का केवल इसी में ध्यान देना है जहां दो सह बन रहे हैं। कह कह के बाद दो शब्द बनते हैं, पैसे के बाद दो शब्द बनते हैं, तो इन दो शब्द में ध्यान क्या देना है, दोनों शब्द में बात ध्यान देनी है। यदि विसर्ग से पहले मात्रा ए आती है तो विसर्ग का श सड़क वाला बनेगा, तो विसर्ग का श सड़क वाला बनेगा और अन्य मात्रा यानी ए के अलावा मात्रा है, अन्य मात्रा है तो विसर्ग का श्रेष्ठ कोण बनेगा, तो विषय का सेट फोर। ये बात आपको ध्यान देनी है कि सह कहाँ बनेंगे, तो ये आप इतनी बात ध्यान दे दीजिएगा। सह तीन प्रकार के सह होते हैं, वो सह बनते कैसे कैसे वो अपन यहाँ देखिए। अब इन्हीं शब्द को अपन उदाहरण द्वारा देख लेते हैं, तो देखिएगा इसके सत्व संधि के उदाहरण देखते हैं अपन। तो ध्यान दीजिए, पहला उदाहरण जैसे लिखा पूरा प्लस कारम, दूसरा पूर्व प्लस कर। अब आप देखिए विसर्ग के बाद के है, यहां भी विसर्ग के बाद के है, तो आप लोगों को पता जब के होगा तो सह दो बनते हैं।
अब ये भी पता है कि ये शेप जब बनेगा तो मात्रा उससे पहले क्या होनी चाहिए, ए आती होनी चाहिए, और ये शेप बनेगा तो मात्रा कौन सी होनी चाहिए, ए आती अलावा अन्य मात्रा होनी चाहिए। तो यहां मात्रा एक ही है तो शेप कौन सा बनेगा, सड़क वाला, तो इसका तो बन गया पुरुषकारम। इसका अन्य मात्रा जिसे पहले ऊ की है तो षष्ठकोण बनेगा, तो क्या बनेगा पुष्करा। यहां यह भी बात ध्यान देनी है, विसर्ग के जितने भी शय बनेंगे वह सबसे आधे शय बनेंगे। आगे उदाहरण देखते हैं, जैसे दुगो प्लस फलम। केवल बात यह भी ध्यान देनी है कि यहां जो मात्रा वो अन्य मात्रा है तो शेष कौन वाला बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा दोष फलन। यानी क और ख के अंदर और प फ में दो शय बन रहे थे जिसको अपन ने देख लिया कि दोनों शय कब कब बनते हैं, उनके उदाहरण अपने देख लिया। बाकी सब उदाहरण फिक्स है, सीधा शय जो बनेगा, जैसे मात्रा इन कैक और पैसे में ही देख ली, बाकी में मात्रा का ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा नीह प्लस चल, तो अपने को पता है दूसरे के बाद चय आएगा तो दूसरे का शय संख्या वाला बनेगा, यानी निश्चल। इसी प्रकार धनु प्लस टंकार, तो शय कौन सा बनेगा, स्पोन वाला, धनुष टंकार। इसी प्रकार नमा प्लस ते, शय कौन सा, षड्क वाला, नमस्ते। इसी प्रकार हरि प्लस शेते, शय कौन सा, वो रिपीट होगा, शंकर वाला शय। इसी प्रकार नी प्लस शारह, तो शय वही बनेगा निशारह। तो ये हमने शर्त संधि से बनता है, तीनों प्रकार के से बनते हैं, कब बनता है वो अपने सारी बात देख ली। अब इसमें एक बात ध्यान देनी है, अपने से पूछे कि संधि कौन सी है, और यदि शब्द में ये तीनों से, इन तीनों से में से कोई भी से आधा से हो और अपने से पूछे संधि कौन सी है, तो आप लोग संधि का नाम बता देना, शर्त संधि। तब करना क्या है, इस आधे से को हटा देंगे। जैसे यहां लिखा है निश्चल, अपन से पूछते संधि कौन सी है, तो अपन को पता है कि आधा से आया हुआ है तो शर्त संधि है, तो आप आधे से को हटाइए, इसके जगह विसर्ग लगाइए और दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो यह अपनी यहां शर्त संधि कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखिएगा, आगे है उद्वसर्ग। उद्वसर्ग, उद्वसर्ग में विसर्ग के बाद मात्रा के दो पार्ट को लगाना, पहला पार्ट और तीसरा पार्ट। पहला पार्ट हो जाएगा, इसके दो पार्ट बनते हैं। पहले पार्ट में तो मात्रा किसकी, ए की मात्रा, फिर ए। दूसरा पार्ट था, पहले पार्ट में थी ए की मात्रा, विसर्ग, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य है। यानी उत्तर संधि में मात्रा तो जो रह रही है वो दो ही रह रही है, मात्रा तो एक ही पार्ट रह रहा है, एक ही मात्रा वाला, लेकिन वर्ण के जो है वो दो पार्ट आ रहे, तो स्वर का आ रहा है और एक तीसरा पार्ट वर्णों का आ रहा है, स्वर में केवल ए आ रहा है बाकी नहीं आ रहा है, तो मात्रा तो केवल एक ही आ रही है लेकिन आगे वर्णों के दो पार्ट बन रहे हैं,
अब अपने को पता है कि यहां तो क्या बनाया था, विसर्ग का ओ बनाया था, यहां भी विसर्ग का ओ ही बनाया था। अब दो पार्ट बन गए, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। अब पहले पार्ट को अपने उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, लिखा है रामः प्लस अपि, विसर्ग से पहले ए की मात्रा, बाद में ए। तो पहले पार्ट की है मात्रा का पहला पार्ट, मात्रा का पहले पार्ट होगा ए है तो संधि उत्तर रहती है, तो क्या होगा विसर्ग का, तो क्या बन जाएगा रामो, वो बन जाएगा विसर्ग का। तो ये कंडीशन बन गई। अब ये कंडीशन जब बनी तो ये कंडीशन अब कहां आ गई, ये आ गई पूर्व रूप संधि की कंडीशन आ गई यहां, भी यहां से तो शुरुआत जब अपन ने की ये तो क्या हुआ उच्च संधि का भाग, जब अपन यहां पहुंचे तो यह क्या बन गया पूर्व रूप का भाग। अब अपन को कह दे कि दो हो गया, तो अपन नाम कौन सा लिखे, जिससे शुरुआत की वही नाम लिखना होता, शुरुआत अपने उत्तर से की तो संधि उत्तर संधि ही होगी, आगे परिणाम चेंज होते रहते। अब आगे जो बना इसको जो बनाएंगे तो अपन को पता है पूर्व रूप संधि अपन पट के आएंगे तो क्या बनेगा रामोपि। ऐसा ही अन्य उदाहरण दे सकते हैं, सह प्लस अयम तो ये बना सो प्लस अयम, यहां पूर्व रूप तो हो जाएगा सो अयम। फिर अब इसके पार्ट में एक बात हमको ध्यान देनी है, जैसे मान लो वो दे दे कॉपी, अब कौन सी लिखी, अब कौन सी लिखे, उत्तु लिखे या पूर्व रूप, तो आप हमेशा ध्यान देना जब विच्छेद करेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो अपने को संधि का नाम उत्तु संधि ही लिखना है, हमारे शत्रु संधि के चक्रों में नहीं जाएंगे। हाँ यदि ऑप्शन दे रखे हो ऐसे दे रखा वहां उत्तम नहीं दिया हो तो पूर्व रूप होगी और पूर्व रूप नहीं दिया उत्तम संधि होगी, सीधा यदि बनाना है सीधा उचित विधा अपने को उत्तम संधि ही लिखना है। तो ये था इसका पहला पार्ट ए वाला। अब आता है दूसरा पार्ट, तीन चार और पांच पार्ट और ये वाला दूसरे पार्ट में है। तो देखिएगा मनः प्लस योग, यशः प्लस गान, तो देखिएगा विसर्ग से पहले एक ही मात्रा उसके बाद ये, तो विसर्ग का ओ बना मनु, तो क्या बन गया मनु योग, विसर्ग से पहले एक ही मात्रा उसके बाद गय, गय यानी तीसरा वर्ण, तो बना यशो गान। उसी प्रकार नमः, नमः विसर्ग से पहले एक ही मात्रा उसके बाद पांचवा वर्ण विसर्ग का ओ नमो नमः, लिखा बालकः हस्ति, विसर्ग से पहले एक ही मात्रा विसर्ग के बाद है तो विसर्ग का ओ बना बालको हस्ति। यहां एक प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है कि इन शब्दों को मैंने जोर लिख दिया, इन शब्दों को मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, तो ध्यान दीजिए कभी भी शब्द व शब्द रूप व धातु रूप एक साथ नहीं लिखे जाते, अलग अलग लिखे जाएंगे, एक साथ नहीं लिखे जाते, ये बात मैं हमेशा ध्यान रखना। यहाँ दोनों शब्द थे, ये दोनों शब्द थे, यहाँ दोनों शब्द नहीं थे, यहाँ दोनों शब्द नहीं है, एक शब्द है धातु है इसलिए इसको अलग अलग लिखा। तो ये यहाँ उत्तर संधि दो भाग बनते हैं उत्तर संधि के, पहला तो ओ बनने के बाद पूर्व रूप बनता है और फिर सीधा दूसरा तीन चार पांच वर्ण और ये वह रह है हो तो विसर्ग का ओ मान लेते हैं। तो ये अपनी यहां है
उच्च संधि। अब इसके बाद अपन को रुष्ट संधि पढ़ना है। रुद्र संधि में मात्रा जो होती है वो तो अन्य मात्रा रहती है, मात्रा अन्य मात्रा, अन्य मात्रा के बाद विसर्ग। अब विसर्ग के साथ क्या जुड़ेगा, वो है एक तो स्वर, यानी वर्णों का पहला पार्ट और तीसरा पार्ट, तीसरा शब्द पांचवा वर्ण यल है। इस कंडीशन में क्या होगा, विसर्ग का रे बनेगा। अब विसर्ग का रे बनेगा तब अपन को एक बात ध्यान देनी है, इस रे के बाद यदि स्वर है तो स्वर, स्वर की मात्रा रे में जुड़ेगी, स्वर की मात्रा रे में जुड़ेगी। और यदि रे के बाद व्यंजन है तो रे नेक्स्ट व्यंजन के, नेक्स्ट व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। ये बात अपन को ध्यान देंगे। तो यहां विसर्ग का रह बना। अब देखिए अपन इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा, उदाहरण लिखा है प्रकृति प्लस एव, ये पहला उदाहरण। दूसरा है निशि प्लस जलपत्र, ये दूसरा उदाहरण। देखिए विसर्ग के पहले अन्य मात्रा और विसर्ग के बाद स्वर, पहली कंडीशन पूरी कर रहा है तो यहां विसर्ग का क्या बन जाएगा, विसर्ग का रे। यहां विसर्ग के पहले अन्य मात्रा और यहां तीसरा वर्ण, अन्य मात्रा विसर्ग तीसरा वर्ण, तो यहां दूसरी कंडीशन पूरी करता है तो विसर्ग का रे बन। अब आप देखिएगा यहां जो बचा अपने पास वो बचा प्रकृति, यहां बचा हुआ ए, विसर्ग का ही बना है। आप जब इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रकृति रेव, रे में एक ही मात्रा रहती है। यहां जब बनाएंगे इसका तो बनाएंगे, यहां तो निश्चय बचा, यहां बचा बचा अपने पास जल, तो विसर्ग का ही तो बनाया अपन ने, तो निशि रे जल पटो। अब अपनों को बात बताई मैंने, रे के बाद की व्यंजन है तो ये रे कहां लिखा जाएगा, इस व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा। इसी प्रकार गुरु प्लस विष्णु, विसर्ग से पहले अन्य मात्रा और विसर्ग के बाद वह आ गया तो विसर्ग का रे बनेगा, तो क्या बन जाएगा, गुरु विष्णु, गुरु विष्णु। इसी प्रकार गुरु प्लस ब्रह्मा बनते जाएंगे। आप लोगों को ये दो कंडीशन ध्यान देंगे, इस दो कंडीशन में रे बनता है, रे के बाद स्वर आए तो क्या करना है, व्यंजन आए तो अपन को क्या करना है, वो बात मैंने आपको बता दी। ये अपनी रुद्र संधि यहाँ पूरी होती है। रुद्र संधि के दो नियम बोल रहे हैं जिसको अपन इसके अपवाद भी कह सकते हैं या इसके नियम भी कह सकते हैं। दो दूसरे नियम कौन से हैं, पहला तो है अकारांत अव्यय, कौन से, पुनः अनंततः और प्रातः। दूसरा है अकारांत संबोधन, कौन से है, मातः पितः भ्रातः आदि, रिकारांत संबोधन, रिकारांत का
संबोधन अपन विकारांत संबोधन कह सकते हैं, क्योंकि विकारांत का संबोधन अकारांत ही होता है, तो इसको अपन कह सकते हैं विकारांत का संबोधन जो कि अकारांत होता है। इसके बाद वही स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यल है, हो तो भी विसर्ग का र बनता है। या जैसे इसमें देखेंगे उदाहरण का पुनः धन अत्य, एक लिखा माता धन वंदे, तो देखिएगा यह अकारांत अव्यय है, उसके बाद क्या आ गया स्वर आ गया, तो क्या होगा विसर्ग का रे बनेगा, तो जो विसर्ग का रे बनाया तो यहां अपने पास क्या बचा पुनम, यहां बचा हुआ अत्र, जब तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया पुनरत्र। यही बात यहां लागू होती है, क्योंकि ये जो है वो क्या है ऋकारांत संबोधन है, ऋकारांत संबोधन जो कि किस रूप में है अकारांत रूप में। फिर वह फिर उसके बाद गया जाएगा तो विसर्ग का क्या बना विसर्ग का रह बनता है, तो अब अपने पास यहां बचा क्या, यहां अपने पास मातर ये वंदे तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा मात्र वंदे, ऐसे यह बना सकते हैं। अब इसको अलग क्यों कहा, ये अन्य अपन इसने इसलिए कहा क्योंकि जो विसर्ग का रह जो बनता है तो वो विसर्ग से पहले अन्य मात्रा थी, यहां जो मात्रा है एक ही, इसे इन दो को अपन अलग कहेंगे अन्य नियम कहेंगे, तो इन दो नियमों के साथ अपनी रुद्र संधि कंप्लीट हो जाती है। अब अपनी इसी की चौथी संधि जो है, क्योंकि चार पंडंग नाम बनाए थे अपन ने, शतक अपने पढ़ लिया, उत्तर पढ़ लिया, रुद्र अपने पढ़ ली, अब अपने पास है लोप संधि। लोप संधि में खूब सारे नियम है, लोप संधि पहला जो नियम इसका बनता है वो यह बनता है एक ही मात्रा विसर्ग प्लस ए आ के नहीं ए के अलावा स्वर, ठीक है। दूसरा नियम बनता है आ की मात्रा में कोई भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यवरल है, तीसरा इसका बनता है स और एश शब्द के बाद ए के अलावा स्वर, ए के अलावा स्वर वाची, तो तीन तो ये कंडीशन बनती है। इन तीन कंडीशन के अंदर विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, लोप यानी लोप का मतलब विसर्ग का हटना, विसर्ग हट जाता है। इन्हीं को अपन उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, जैसे लिखा अतः प्लस ए, यहां लिखा लता प्लस आगच्छन्ति, फिर लिखा सह पठति, तीन उदाहरण। तो यहां देखिएगा मात्रा तो एक ही है, जो स्वर वो क्या है
अन्य स्वर यानी ए आर ए के अलावा स्वर है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप। विसर्ग का जब लोप हुआ तो यहां क्या बचा अपने पास अच, यहां बच गया वह ए, ये तो हट ही जाएगा तो बचा बन क्या गया अते। यहां विसर्ग से पहले आ की मात्रा, आगे क्या है स्वर, तो विसर्ग का लोप होगा। जब ये विसर्ग का लोप हुआ तो यहां पर बचा क्या लता, यहां बचा आगछंती। तो देखिएगा ये शब्द है वो धातु है अलग अलग लिखे जाएंगे, विसर्ग तो हट ही गया लता आगछंती। इसमें ये से, से के बाद पे आ गया यानी ए के अलावा स्वर वर्ण, ए के अलावा कोई भी वर्ण है ना, ए के अलावा वर्ण है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा यहां, या विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहां अपने पास बचा क्या से बचा, इसका लोप कर दिया यहां आ गया पठ्य, दोनों शब्द और धातु है अलग अलग लिखेंगे स पठ्य। ये तीन नियम जो कि विषय का लोप करके बनते हैं, अन्य खूब सारे उदाहरण है। आप लोगों को ये बात तीन बातें आपको ध्यान देंगे तो ये लोप संधि की तीन कंडीशन है, एक कंडीशन और है लोप संधि की वो देखिएगा जो कि रुत्व संधि से निकल के आ रही है। तो चौथी कंडीशन इसकी है, कहता है जब रुत्व संधि बनाए यानी रुत्व संधि में अपने पास कंडीशन आए र प्लस र की, ऐसी कंडीशन आ जाए दो र, तब क्या करना, ऐसी कंडीशन यदि आती है तो ये जो पहला र है उसको अपने को डिलीट करना, पहले रो को हटाना। अब जिस र को हटाया उससे पहले की जो मात्रा है, पहले की छोटी मात्रा को क्या करेंगे बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा में बदल देंगे। ये नियम है, क्या कहा कि रुत्व संधि में जब अपन रुत्व संधि बना रहे हैं तब अपने पास कंडीशन ये आए रे प्लस रे की, तो इन दोनों रो में से पहला रे अपने को क्या करना हटाना है डिलीट करना, जो रे अपन ने डिलीट किया है उससे पहले जो उनकी मात्रा छोटी है तो आप उसको बड़ी कर देंगे, यदि बड़ी है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उदाहरण द्वारा अपन समझते हैं, जैसे लिखा है निधन रस, तो देखिए विसर्ग से पहले अन्य मात्रा, विसर्ग के बाद रे, तो विसर्ग का क्या बनेगा रे बनेगा, तब अपने पास क्या हुआ विसर्ग का तो रह बन गया, ये जब बनाया तो अपने पास जो कंडीशन वो कौन सी आई विसर्ग का रह उसके बाद क्या है रह, ये कंडीशन अपने पास पहुंच गई तब अपन क्या करेंगे ये कंडीशन बनाई, आगे क्या बचा हुआ पहले नी और बाद में क्या है श, तब क्या करना ये पहला रह हट जाएगा और ये जो मात्रा छोटी है क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, पीछे जो बचा है वापिस लिख देंगे नी रस। इसी प्रकार कवि धन राजते, तो यहां भी देखो विसर्ग का तो रह बना उसके बाद रह है एक कंडीशन बनी, पहले रह को हटा देंगे उसे पहले की मात्रा क्या कर देंगे बड़ी कर देंगे कवि और आ जाएगा राजते। अब हमारे सामने प्रश्न उठा, प्रश्न क्या उठा कि इस कंडीशन में ये जो कंडीशन बने इस कंडीशन में संधि का नाम क्या लिखें, संधि का नाम क्या लिखें, तो इस कंडीशन में संधि का नाम लिखेंगे लोप संधि।
तो यहां अपना विसर्ग संधि का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जो कि अपने चार पार्टों में पढ़ा, सत्व संधि, उच्च संधि, रुद्र संधि और लोप संधि, जो लोप संधि के चार नियम अपने यहां पढ़े। तो यहां अपनी विसर्ग संधि भी कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।